तो इधर पे भवन लहर में पहुंच चुके हैं। जंगलों के चारों ओर ही देखिए आप लोग, खूबसूरत नज़ारा। ये पूरा घिरा हुआ थोड़ा सा प्लेन एरिया है। अभी हमने खाने का ऑर्डर दे दिया, इधर पे जो है खाना बन गया, जो ताज़ा ताज़ा खाना मिलेगा आप लोगों को। ये बबलधार देखिए, फिर सामान वामान रख दिया और माशा आराम करते हुए। थोड़ा सा बैग हैग पकड़ने के बाद जो है कंधों में दर्द भी हो रहा है मेरे तो। ये देखिए इतना बड़ा बैग कैरी कर रहा हूँ मैं अभी, शायद ये बैग जाएगा मीलम ग्लेशियर मीलम तक। देखिए इतना सामान। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, तो अभी खाना खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। थोड़ा सा थक गए इसलिए एनर्जी लो हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ कम आ रही है कि लो। माशा माशा कितनी थकान लगी है अभी तक बताओ तुम। थकान हल्की फुल्की लगी है, तो हल्का फुल्की अभी थके हैं, उसके बाद भी डाउन ही है। लगभग इधर से हमको अभी 2-2.5 घंटा लगेगा, मतलब अभी बजे तक टाइम कितना 2 हो रहा है, शायद 2 से 5 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। तो दोस्तों देखिए इतनी दूर भी यहाँ भी खेती बाड़ी कर रखी है, इधर मूली और ये ककड़ी हकड़ी वगैरह लगा रखा है। तो आप अंदर का दिखाएंगे, अंदर देखिए आप रह सकते हैं इधर पे आप लोग। और ये देखिए आंटी जी खाना बना रहे हैं हमारे लिए। तो दोस्तों देखिए इधर पे कतल जाना हमा। हाँ मिलम गलेश्वर धाम से ठंडू मा जला जाल। ओ क्यों मैं चलते फिर तो क्या ठंडे बोल है जी। तो आग बढ़ना ये रात है ना, तो यहाँ रोना तार से एक नजर रोना यहाँ किराए खाना का लिया और सोड़ी में सोना का लिया बोला। खाना का तो शो लगते है जी, वहाँ सोना को तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब यह विदेश वाले भी दे लेने जी, अब किए न लीन, इंडिया का इंडिया का मुलान मना गया, इंडिया वाला वहाँ भी नहीं लीन जाएगी। तो दोस्तों इधर पर हमको ककड़ी भी मिलगी, देखिए इतनी हाइट में यहाँ पे। तो फाइनली इधर पर खाना बन चुका हमारा। अब देखिए माशा टेस्ट करो कैसा हो रहा है। इधर पे देखिए खाना बनाया हमारे लिए, देखिए मासा करे काफी अच्छा हो रहा है। और इधर पे आपका जो अगर आप इधर आते हैं तो दोस्तों घूमने के लिए सिर्फ आपको जो है खाने का चार्ज लेते हैं, रहने का इधर फ्री होता है। तो हमारे कुमाऊं उत्तराखंड यहाँ आए मीलम ग्लेशियर की ओर, तो ये बबलधार है, तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं और खाने का चार्ज लिया जाता है इधर। तो दोस्तों इधर पे देखिए जो गेहूं को भून के उसके बाद उसको पीसा जा रहा है गाय के लिए, दो बनाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना आना खा लिया इधर पे बबलधार में। यहाँ के बिल्कुल हमको जो है परिवार की तरह फील हुआ, जैसे कि हम फैमिली में आए होंगे। अच्छे तरीके से अंकल आंटी जी ने इधर पे हमको प्यार से खाना खिलाया और बहुत टेस्टी खाना। जब आप इधर आए तो इधर पर रुके बबलधार में आए, और आपको यहाँ पे सिर्फ खाने का चार्ज है और रहने के लिए आप लोगों को फ्री, और इसको आपको यहाँ सब कुछ खाना अच्छा मिलेगा, फर्स्ट में ही मिल जाएगा फर्स्ट में ही। तो ये है आपको ताज़ा ताज़ा खाना मिलता है। इधर आएंगे आपको जो है खाने के लिए बोलना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका खाना बन के रहेगा। अब हम इधर से जा रहे हैं, यहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं इधर से बबलधार से। अब नेक्स्ट टारगेट बोगडियार में आज हमारा स्टे होगा। लेट्स गो। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे नीचे गोरी गंगा नदी है, ये गोरी छाल, और अभी हम पहुंच गए रेड़गाड़ी। तो दोस्तों अभी हम हैं रेड़गाड़ी पुल में, आप लोग देखेंगे ये, और एक नदी इधर से आ रही है, और यहाँ का हम जा रहे हैं झूला पुल से।
तो आप लोगों को रणगाड़ी पहले बचपन में बहुत पहले सुना था, रणगाड़ी राकश की बोल रहे कि एक यहाँ पे, मुझे भी पता नहीं था, जब यहाँ यात्रा किया तब पता चला कि रणगाड़ी वाला एरिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक मान्यता अनुसार या लोग कहते कि पुराने लोग कि रणगाड़ी में एक राक्षस, एक राक्षस होता, जब घोड़े यहाँ से बकरियाँ पर मिलम को जाते हैं आते तो इधर पर रुकते थे, तो उसके बाद यहाँ पे जो राक्षस उनको परेशान करता था बल, और वो एक दूसरी नकल करता था बल। तो एक ने दिमाग लगाया क्या है, घोड़े वाला था बल आग जला रखे और राक्षस भी उसे सामने आया। जैसे जैसे वो घोड़े वाला करता है वैसे कॉपी राक्षस भी करने लग गया था बल। उसके बाद वहाँ पे वो भी वैसे कॉपी करने, उसको पता चला कि उसने अपने हाथ में जो कैरोसिन लगाने का कैरोसिन लगाया उसने अपने हाथ पांव सर में, और राक्षस ने भी जो अपने पूरे शरीर में कैरोसिन या मिट्टी तेल को लगाया हुआ। उसके बाद उसने जो है आग जलाया था, उसने फूंक करके ऐसे आग करने की कोशिश की, और उसने भी फूंक करके, इतनी बड़ी दाढ़ी थी बल, और जो है राक्षस जो है उस आग से जल गया, ऐसे मान्यता है। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं तो देख रहे होंगे, तो ये मान्यता है रणगाड़ी राक्षस। तो दोस्तों इधर पर देखिए त्रिशूल भी, यहाँ देवी देवताओं को पूजा गया है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा इधर पर देखिए चढ़ाई लग रही है, आगे को गोरी छाल। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं गोरी गंगा नदी के किनारे किनारे, अब हम जा रहे हैं गोरी गंगा के नदी के किनारे किनारे। ये है जो गोरी छाल, यहाँ पर रास्ता बनाया, आप देखिए पगडंडी और नीचे ये नदी है गोरी गंगा नदी, और आगे से वहाँ साहब जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे इधर पर सकरा मार्ग है गोरी नदी, और ये बड़ा पत्थर है देखिए, जब नदी के ज़्यादा बढ़ गई हुई तो ऊपर तक वाइट हो रखा निशान, आप लोग देख रहे होंगे इस वाले एरिया तक। देखिए अभी पानी कम है गोरी में, तो देखिए ये खड़ी चट्टान आप लोग देखिए, वाह। पूरा गैप है ऐसे गोरी नदी के किनारे किनारे जा रहे देखिए, और यहाँ पहाड़ पर ऐसा गैप, ऐसा देखो इतनी खड़ी चट्टान लग रही है, ऐसा सामने वाला तो पहली बार देखा मैं, प्रकृति का खूबसूरत दृश्य आप लोग देख रहे हैं। काफी टाइम से एक बोर ही है जो खड़ा है। अभी एक किलोमीटर और है सोनी, खड़े खड़े पहाड़। देखिए इधर वो खूबसूरत सा झरना, अभी जो है बरसात का सीजन खत्म हो गया तो यहाँ पे इसमें पानी कम है। देखिए और यहाँ का नजारा वाइड एंगल। खूबसूरत सा झरना आप लोग देख रहे होंगे यहाँ। तो दोस्तों इधर फाइनली हम जो है त्यूनी में पहुँच चुके हैं, ये है और ऊपर वो बोर्ड लगा है बुगडियार, यहाँ से 3 किलोमीटर है, और इधर पर भी घर है, 3 किलोमीटर और जाना है हम लोगों को। तो दोस्तों अभी बगडियार पहुँचने वाले लगभग 2 किलोमीटर है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गोरी गंगा नदी है, और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर अपने साथ बहा के लेके आइए, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि पूछो ही मत, इतने बड़े पत्थर आपको नीचे कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ये है आप देखिए, ये देखिए गोरी गंगा के पैरलर हम लोग जा रहे हैं, क्या जबरदस्त जा रहा है। ये देखिए मेरे पीछे ये गोरी गंगा के शीत शीत में जो है रास्ता जाता है यहाँ बगडियार के लिए। उधर से नदी ने ले लिया बैंड। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे बगडियार में पहुँच चुके हैं, अभी हमने खाना खा लिया,
यहाँ पे भी जितने भी आज मैं आ रहा हूँ, जैसा कि माशा देखेंगे सारे कितने अपने पहचान के निकल रहे इधर पे, जब बात कर रहा हूँ उनसे थोड़ा सा अपनी भाषा में, तो इधर पे जो कि इधर पे एक मिले कि अंकल जी जो ईश्वर सिंह बिष्ट हमारे साथ वालमड़ा में पढ़ते थे, उनके पापा जी हैं, तो बगुडा आर्मी का रेस्टोरेंट ऐसी बात हुई। तो अब इससे पहले बबल धार में भी सारे उधर पर हमारे मित्र शमकोट से शादी हुई तो लोग मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर खाना ना खा लिया, तो अभी सोने की तैयारी हो रखी है। देखो हमारे पास स्लीपिंग बैग भी है और अंकल जी ने जो है कंबल अम्बल भी दे रखे उधर पर ओढ़ने के लिए। यात्रा करना चाहते हैं यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों को खाने का चार्ज लिया जाता है, रहने का इधर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर तो आप इधर आए और आप जो है मीलम ग्लेशियर घूम सकते हैं। तो कल हमारी यात्रा की शुरुआत हुई यहाँ से। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तो दोस्तों ऐसा है, कल की यात्रा की शुरुआत होगी, तो देखिए कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं आप। तो बाय, गुड नाइट।